नमस्कार, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। मेरा नाम फहीम खान है। देखिए, इस वक्त हम सिवान सदर प्रखंड के अंतर्गत करणपुरा पंचायत आता है और करणपुरा पंचायत के आजाद बस्ती मोहल्ले में है, जहां 2018 में एक नया प्राथमिक विद्यालय का शुरुआत हुआ है। और आपको बता दें कि शुरुआत तो हुई, लेकिन यहाँ भी बच्चे जो हैं वो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाई किया करते थे। धीरे धीरे गांव के लोगों के सहयोग से और जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके सहयोग से कुछ राशि इकट्ठा करके यहाँ एक क्लासरूम बनाया गया है, जो कि ऊपर से भी अभी करकट है। ना ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है और ना ही यहाँ शौचालय की सुविधा है। इन तमाम परेशानियों को झेलते हुए बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या, चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के शिक्षक से और जानने की कोशिश करते हैं और भी क्या कुछ समस्याएं हैं और क्यों भवन नहीं बन पा रहा है, ये हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। यहाँ प्रिंसिपल के पद पे हैं? जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो कितने साल से ये स्कूल यहाँ चल रहा है? सर, 2018 से, जुलाई 2 जुलाई 2018 से विद्यालय चल रहा है। जी, कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? इस स्कूल में अभी 65 बच्चे नामांकित हैं। अच्छा, कितने बच्चे आ जाते हैं डेली? 50 के लगभग बच्चे रहते हैं। भवन नहीं है, भवन को लेकर के आप लोग वरीय अधिकारी जो हैं उन लोगों से बातचीत नहीं करते हैं क्या? बराबर हम विभाग में लिखते हैं बिल्डिंग के लिए, जमीन का NOC जमा कर चुके हैं जी, ना विभाग की तरफ से आश्वासन मिला है कि जल्द बिल्डिंग बनेगा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किचन अच्छा। सेट के लिए भी हमने लिखा है जी, ना किचन सेट के लिए बोले हैं लोग कि बहुत जल्दी काम लगेगा, लेकिन अभी लगा नहीं है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीसुर रहमान, उर्दू टीचर से मेरी बहाली हुई है जी। मेरी बहाली जो है करणपुरा उर्दू जो है करमलिहता गांव में हुआ था जी, लेकिन गांव के लोग जो है BO साहब के यहाँ दरख्वास्त किए, तो BO साहब की तरफ से और कुछ अधिकारी की तरफ से जो है मुझे यहाँ नियुक्त किया गया और मैं उर्दू यहाँ पढ़ाता हूँ। अच्छा, परेशानी कितनी होती है गर्मी में? आप लोग सीट के नीचे पढ़ाते हैं, करकट के नीचे पढ़ाते हैं, कितनी परेशानी होती है? परेशानी के बारे में तो पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चों के साथ साथ हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, गर्मी से जो है लोग त्रस्त रहते हैं। और यहाँ पे जो है सही शुद्ध पानी पीने का जो है भी व्यवस्था है, यहाँ पे नहीं हो पाया है। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? किस क्लास में हो अभी? 4 में हो। गर्मी होती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा होती है। आप पढ़ने आने का मन करता है कि नहीं करता है? मन करता है। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा, टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं? सबसे समस्या क्या चीज़ होती है? शौचालय मतलब नहीं है इसके वजह से, या फिर गर्मी होता है इसके वजह से? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और बाथरूम नहीं है, उससे भी दिक्कत होता है। कुछ दिन पहले देखा जा रहा था कि झुग्गी झोपड़ी में बच्चे यहाँ पढ़ते थे, फिर गाँव वालों के और शिक्षक के सहयोग से इस एक क्लासरूम को बनाया गया है। गर्मी में कैसे बच्चे रहते हैं बिना पंखा बिना बिजली कनेक्शन के, कैसे रह पाते हैं? सर, बहुत बुरा हाल रहता है गर्मी में, बच्चे भी ज़्यादा त्रस्त रहते हैं, हम लोग को भी तो परेशानी होती ही है। यहाँ पर शौचालय तक की भी सुविधा नहीं है। विभाग की तरफ से हमने लिखा है कि शौचालय के लिए राशि उपलब्ध की कराई जाए। हम 2 आदमी नियोजित शिक्षक हैं जी, एक तालमी मरकज से शिक्षिका आई हुई है, बच्चे भी बाथरूम जाने के लिए उनको भी परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है। क्या आश्वासन क्या मिल रहा है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी NOC जमा किए हुए 6 महीना बीत गया है ना, विभाग की तरफ से कहा गया है कि बहुत जल्द बिल्डिंग का कार्य लगेगा, लेकिन अभी दाखिल खारिज जमीन का मांगा जा रहा है। दाखिल खारिज सरकारी गैर मजरूआ जमीन है, इसका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। NOC हमने जमा किया है विभाग में, बाकी विभाग क्या कार्रवाई करती है। अच्छा, जनप्रतिनिधि लोग जो आश्वासन दिया करते हैं, क्या उन लोगों की तरफ से भी कुछ नहीं किया जा रहा है? कोई खास तो मतलब जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितनी चाहिए उतनी जो है हम लोगों को सहयोग नहीं मिल पा रही है। देखा कि इस तरह से यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो अपनी परेशानी बता रहे थे, और एक बच्चे से जब बातचीत हो रही तो बच्चे ने गर्मी को लेकर के कैसे अपनी बात रखा है कि गर्मी किस तरह से होती है, करकट के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम है। देखिए, यहाँ ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा है, सरकारी ज़मीन, जिस जो कि अब रसीद वगैरह भी कट रहा है, और यहाँ भवन बनाने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल जो है कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन
अभी तक आवेदन देने के बाद केवल रिसीविंग मिला, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन भवन को लेकर के अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। जब हमारी बात शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हो रही थी तो उन्होंने भी क्या कुछ कहा है आपने सुना। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि सिवान सदर में ये पड़ता है और सिवान सदर के विधायक औध बिहारी चौधरी हैं। चुनाव के दौरान जब विधानसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि प्राथमिकता जो होगी सबसे पहले जो काम किया जाएगा उसमें करणपुरा का ये नया प्राथमिक विद्यालय को भवन देने की बात उन्होंने कहा था। और वहीं करमली हाता में जो उर्दू जो विद्यालय है उसको भी दो क्लासरूम का भवन बनाने की बात उन्होंने की थी। लोगों से वादा किया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो इस गांव का दौरा भी नहीं किया। हालांकि अब तो विधानसभा के अध्यक्ष हो चुके हैं, स्पीकर हो चुके हैं, अभी भी लोगों की उम्मीदें हैं लेकिन उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं सिवान सदर के विधायक और बिहारी चौधरी। हालांकि देखिए सिवान सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से वहाँ बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है। अलग अलग जब प्रखंड के अंदर जो स्कूलों को लेकर के हमने जब स्टोरी की है, रिपोर्ट्स बनाया है, उनसे हमारी बातचीत हुई, उस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना ही। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ बच्चे लगभग 50 के करीब डेली जो है कि बच्चे आते हैं, प्रेजेंट होते हैं और लगभग 70 के करीब बच्चे हैं इस यहाँ जो स्कूल है नया प्राथमिक विद्यालय। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विधायक जी जिन वादों के साथ यहाँ के लोगों का वोट लिया विधायक जी ने, वो अब वादे पूरे तरह से फेल नजर आ रहे हैं। अब स्पीकर तो बन चुके हैं, लोगों की उम्मीदें जगी हैं लेकिन देखिए अभी आने वाला वक्त बताएगा कि विधायक जी क्या कुछ करते हैं। हालांकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बहुत जल्द पैसे आवंटित होंगे और जल्द ही जो है कि इस स्कूल को बनाया जाएगा। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए डेमोक्रेटिक चरखा के साथ। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।